हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लिस्टिंग और सर्विसेज लिस्टिंग के बाद स्पॉट बटन वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्पॉट बटन कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, इस हवाले से। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसा है कि हमने अपनी सब्सक्रिप्शन चेंज करनी है। अपने सब्सक्रिप्शन में आएंगे और सब्सक्रिप्शन में आने के बाद जैसे कि आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, स्पॉट बटन वाला जिसमें आप एक सर्विस लिस्ट कर सकेंगे, ठीक है, स्पॉट बटन प्रो है जिसमें आप 10 सर्विसेज लिस्ट कर सकेंगे। इन दोनों का मैं आपको अलग अलग बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस एक वाली में आते हैं। इसको हमने स्विच कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वाले हैं तो इसके लिए कोई किसी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट हमने ऑर्डर प्लेस कर देना। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम माय अकाउंट में जाते हैं, वेंडर अकाउंट पे, अभी हम सर्विसेज पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये है तो इनको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट कर सकते हैं इनको, दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। हाँ जी, अभी हम अपनी जो है वो स्पॉट बटन वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पर जाऊँगा जी, अभी हम ऐड न्यू सर्विसेज में आ गए हैं, ठीक है। इधर आपने टाइटल लिख देना, टाइटल आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ स्पॉट में तो क्रिएट मोर सोशल मीडिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपको सर्विसेज टाइप में तीन तरह की ऑप्शन आएंगी, ठीक है, सिंपल, एक्सटर्नल और सिंपल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिंपल पे भी डाल सकता हूँ, ठीक है, और सिंपल सब्सक्रिप्शन पे भी डाल सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन का ऐसा होगा कि मंथली वाला होगा, ठीक है, और सिंपल सिर्फ जो है वो वन टाइम वाला होगा, ठीक है। इसमें आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है। पेमेंट अगर आपने लेनी है तो सिंपल वाला सेलेक्ट करें या सिंपल सब्सक्रिप्शन वाला सेलेक्ट करें, ठीक है। और एक्सटर्नल एफिलिएट का ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आप अपने अकाउंट के ऊपर वीडियो व्यूज़ या अपने अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह है। आप अपना अकाउंट जो है ना वो अपने वीडियोस, अपना अकाउंट सोशल मीडिया, टिकटॉक, अपना यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम वो कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं सिंपल सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। इधर हम अपना एक कोई भी अच्छा सा आप अपने हिसाब से कुछ भी फ़ोटो क्रिएट करके ताकि एक अच्छा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, वो डाल दें, ठीक है। मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो फोटोज अच्छा सा हो, चाहे आप अपना एडिट सही अच्छे से कर लें, ठीक है। बुराक डिजिटल पे ही आपको काफ़ी सारे ग्राफिक डिज़ाइनर भी मिल जाएंगे, या और अगर कोई आपका जानने वाला उससे एक अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्रिएट करवा लें, अपना खुद का फ़ोटो या कुछ भी इस हवाले से, ताकि उस हिसाब से आपका फ़ोटो अच्छा लगे। क्योंकि जब आप अपने फॉलोअर के साथ ये वाला शेयर करेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा तासर होना चाहिए, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए इस चीज़। अभी इसको मैं इधर सेट कर दूँगा, ठीक है। आप प्राइस कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, ठीक है। आप एक हिसाब से अपना भी जो है ना, मैं कहता हूँ कि बस इतना ही हो, ठीक है। तो इसके बाद साइन अप फी वगैरह या फ्री ट्रायल वगैरह इस तरह की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटेगरी क्योंकि हमने स्पोर्ट वाला क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको स्पोर्ट माय टैलेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और नीचे इसी हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं टैग, ठीक है। फिर आपने अपना
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराना है, ठीक है, कि क्यों वो अगला बंदा क्यों आपको सपोर्ट करे, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है ना इधर आपने कर देना है, ठीक हूँ। और इधर आपने अपने थोड़ा सा तफसीली या आप कंटेंट किस हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपको सपोर्ट कर, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं ताकि आपको फिर सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सेम इसी तरह बाकी सब चीज़ें जो है ना आप नीचे आ जाना, नीचे आकर आपने सेव प्रोडक्ट वगैरह क्लिक कर देना। अभी मैं आपको इसका जैसे ये अप्रूवल होगी, अप्रूवल होने के बाद दिखाऊंगा कैसे आपको ये शो होगी। हाँ जी, अभी हमारी सर्विस एक्टिव हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिव होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद ये कैसे शो होगी। तो इस तरह ये ब्राग डिजिटल पर ये शो होगी, ठीक है। इधर आपका ये टाइटल आ जाएगा, नीचे शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। नीचे फिर आपके प्राइस आ जाएंगे। नीचे इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, यहाँ अपनी मर्जी की अमाउंट लिखें, ठीक है। आप अपने मर्जी से कुछ भी, मैं 2000 लिख देता हूँ, ठीक है, मैं 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। वो आप अपनी मर्जी से लिखकर बिकम सपोर्टर, इसको क्लिक करेंगे तो वो आगे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बंदा है उसका बिल वो पे कर सकता है, ठीक है। बिकम सपोर्टर का ये आपको ये फायदा है जी। इस तरह इधर आप अपनी मर्जी की, जो भी आपका सपोर्टर होगा वो आप अपनी, वो अपनी मर्जी से जो है ना, वो अपनी मर्जी से इधर कुछ भी अमाउंट डालेगा, अमाउंट डालने के बाद वो पे कर सकता है, ठीक है। ये हो गया बिकम सपोर्टर का। अभी नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने अपने अकाउंट कैसे इसके साथ लिंक करने हैं।